अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विदेश के। आज का सेशन एक स्पेशल अवेयरनेस सेशन है और हमारे आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है डिसलेक्सिया, लेट्स अंडरस्टैंड। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट आप तक हमारे लेटेस्ट कॉन्टेंट की इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुँच सके। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ और आज के इस सेशन में हमें ज्वाइन किया है फरहीन नाज अनीस ने, जो कि PhD इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी हैं और लाहौर में तरतीब के नाम से अपना सेटअप भी चला रही हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है नाहिद अजहर ने, जो कि MEd और PGD SLT हैं और 22 ईयर्स से इस फील्ड में काम कर रही हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी आप दोनों का कि आपने इस सेशन और इस टॉपिक के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच कामरान साहब हमें इनवाइट करने के लिए एंड जी आई एम हैप्पी आई एम ग्लैड टू शेयर माय नॉलेज के सारे मेरा व्यूअर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके बिकॉज डिसलेक्सिया इज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें पता होना और हमें अर्ली साइंस का पता होना स्पेशली बहुत फायदा मंद हो सकता है, आगे चल के इंटरवेंशन में हेल्पफुल हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर इनवाइटिंग सच अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड टॉकिंग मी अबाउट डिसलेक्सिया बिकॉज मैं स्कूल्स में भी बहुत सी टीचर्स को इसके बारे में मालूम फराहम कर चुकी हूँ और इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द प्रोफेशनल्स आल्सो जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं कि उनको डिसलेक्सिया के बारे में मालूम फराहम की जा सके। तो हम सेशन का आगाज़ करते हैं आपकी इजाज़त से, आप दोनों की इजाज़त से मैं फरहीन नाज अनीस साहिबा से शुरू करना चाहूँगा और विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन के ये डिसलेक्सिया है क्या और ये कैसे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करता है या कर सकता है। जी डिसलेक्सिया आमतौर पे जो हमारी नॉलेज है जो उसके मुताबिक हम समझते हैं सिर्फ लर्निंग या काइंड ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर है। इसके साथ हम एसोसिएट करते हैं लैंग्वेज डिफिकल्ट आई मीन स्पेलिंग डिफिकल्टीज को, स्पेलिंग्स की या हिज्जे करने की प्रॉब्लम को। लेकिन अगर इसको ब्रॉडर टर्म में देखा जाए तो ये हमारे वो बच्चे होते हैं डिसलेक्सिक या जो हमारी आशा की अमेरिकन एसोसिएशन की डेफिनेशन है उसके मुताबिक डिसलेक्सिया हमारा रीडिंग फ्लुएंसी की डिफिकल्टी है और इसको ये क्लासिफाई करते हैं एज अ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जहां बच्चा फोनोलॉजिकल स्किल्स को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है और उसी की वजह से उसको रीडिंग और स्पेलिंग की प्रॉब्लम होती है। राइट। अच्छा एक चीज मैं नाहिद साहब की तरफ जाता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे अर्ली साइंस या सिम्टम्स हैं जो कि पेरेंट्स को या एजुकेटर्स को जरूर अपने जहन में रखने चाहिए इस डिसलेक्सिया से रिलेटेड। जी वैसे तो जो स्टडीज हैं उनके थ्रू यही इंफॉर्मेशन है कि डिसलेक्सिया इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि बाय बर्थ ही बच्चों में डिसलेक्सिया होता है। लेकिन इसका पता जब चलता है जब बच्चे स्कूल गोइंग एज में होते हैं, जब पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। और साइन एंड सिम्टम्स इसके यही हैं कि जैसे सिमिलर अगर अल्फाबेट्स हैं, अगर हम स्मॉल लेटर्स को लेते हैं बी और डी, ये सिमिलर देखने में लगते हैं तो बच्चा बी और डी का फर्क नहीं महसूस कर पाता। इसी तरह से नंबर्स हैं जैसे 6 है और 9 है, तो ये नंबर्स क्योंकि सेम शेप में हैं लेकिन बच्चे का माइंड जो है वो इस तरह से वर्क कर रहा होता है कि वो 6 को और 9 को एक ही नंबर समझ रहे होते हैं। बातचीत सही नहीं कर रहा, सही से वर्ड्स उसको समझ नहीं आ रही, तो यहाँ से
मालूम होना शुरू होता है कि मेरे डिसलेक्सिक फीचर्स हैं राइट right. जी। तो अच्छा ये इसके लिए लेकिन डिफरेंट टेस्ट भी हैं जी, डिफरेंट टेस्ट भी हैं जो कि 3 साल का अगर बच्चा हो गया है और प्रोफेशनल्स लाइक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएं और वहां पर 3 साल से कम उम्र बच्चे का भी डिफरेंट टेस्ट के थ्रू मालूम किया जा सकता है कि बच्चा डिसलेक्सिक है। अच्छा नेक्स्ट मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये जो डायग्नोसिस है ये कौन करता है, क्या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इसका डायग्नोस करता है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसका डायग्नोस करता है, किसके पास है ये अथॉरिटी कि वो डायग्नोस करेगा डिसलेक्सिक इंडिविजुअल को। और दूसरा फरहीन नाज साहब ये बताइएगा कि साथ के किस एज पे हम जाके कंफर्मेशन दे सकते हैं या डायग्नोस की कुछ ऐसी ऑथेंटिक तरीके से बता सकते हैं कि हाँ ये है। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले तो मैं पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाना चाहूंगी, अर्ली साइन के लिए तरफ, कि आमतौर पे बच्चे, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जीन्स में होता है, और आमतौर पे बच्चे जो होते हैं वो उनमें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले होता है, यानी जो उनकी जबान और बयान की समझ होती है जिसे हम रिसेप्टिव लैंग्वेज कहते हैं वो तो ठीक होती है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और इसी तरह से मतलब 1-1.5 साल के बच्चे को शेप्स में नहीं फर्क पता चलेगा, राइट एंड लेफ्ट में वो कंफ्यूज होगा, और सेम गोज टू लेटर्स एंड नंबर्स, जैसा कि अनाही साहिबा ने कहा, लेकिन लेटर और नंबर का जो कंफ्यूजन है मिररिंग, ये अब हमारा जो नया क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का उसमें डायग्नोस्टिक साइन नहीं है, इसलिए कि ये बच्चों का टिपिकल ग्रोथ में भी बच्चों में ये सिम्टम आता है कि जब वो अर्ली लर्निंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनको ये कंफ्यूजन हो रहा होता है लेफ्ट और राइट में। लेकिन अगर ये कंफ्यूजन चीजों के नाम में भी आ रहा है, जैसे बच्चा बच्चे को उस चीज का नाम पता है और वो फिल फॉर उसका नाम 1-2.5 साल का बच्चा नहीं बोल पा रहा, या उससे रिलेटेड कोई वर्ड बोल रहा है, लफ्ज बोल रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द अर्ली साइंस ऑफ डिसलेक्सिया। फिर इसके बाद अगर हम थोड़ा सा जैसे प्री स्कूल ग्रुप में जाएं तो वहां बच्चे को जो ऑब्वियस प्रॉब्लम होती है ना वो राइमिंग के साथ होती है, जैसे नज्मों को याद करना, पोएम्स की सॉन्ग जो उसकी टोन होती है उसको वो नहीं फॉलो कर पाते हैं और वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर उसके बाद फिर अगर हम देखें तो जो बच्चों की जो हमारी रीडिंग है उसकी पहली स्टेज है साइट वर्ड रीडिंग, लोगोग्राफिक स्टेज जिसे हम कहते हैं, कि जहां बच्चा लफ्ज को एज अ पिक्चर एसोसिएट करता है कुछ भी जो हमने बोला है एक्सप्रेशन से। फॉर एग्जाम्पल एप्पल लिखा हुआ, जो APPLE एप्पल है, वो बच्चे को स्पेलिंग उसकी नहीं पता होगी लेकिन वो उस साइन को एज अ पिक्चर एसोसिएट करेगा एप्पल के साथ, तो वहां उसको प्रॉब्लम आ रही होती है, वो साइट वर्ड रीडिंग नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद फिर जब आगे स्टेज पे जाते हैं तो फोनोलॉजी की प्रॉब्लम आती है, प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम आती है, तो ये हमारे सब अर्ली साइन है जो हमें बहुत अर्ली एज में तकरीबन 1.5 साल की उम्र में नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपने कहा डायग्नोसिस के लिए, अच्छा अब डायग्नोसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और जिसमें हमारा जो है वो कोलैबोरेटेड वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसलेक्सिया की डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे का IQ टेस्टिंग हो, और IQ टेस्टिंग जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट करेगा जो आपको ये बताएगा, क्योंकि डिसलेक्सिया की डायग्नोसिस का जो प्रोटोकॉल है उसमें ये मेंशन है कि बच्चे का IQ एवरेज और अबव एवरेज होता है, यानी कि जो उसकी फोनोलॉजी की प्रॉब्लम है या प्रोसेसिंग स्किल में जो उसे प्रॉब्लम हो रही है वो उसके IQ से रिलेटेड नहीं होती। फिर जो हमारे दूसरे टास्क हैं जैसे फोनोलॉजी से रिलेटेड, वो आपका स्पीच थेरेपिस्ट उसको डायग्नोज करेगा कि फोनेमिक अवेयरनेस कितनी है, राइमिंग सेंस कितनी है, रैपिड नेमिंग स्किल्स क्या है, वर्किंग मेमोरी कैसी है, ये आपका स्पीच थेरेपिस्ट ऐसे उसको करेगा।
तो इसके लिए मैं जरूर ये कहूंगी कि दिस इज नॉट वन थिंग कि मैं बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट डिसलेक्सिया की डायग्नोसिस दे दूं, मेरे साथ कोलैबोरेटेड टीम का होना, मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट का होना, और कभी कभी ऑडियोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि ऑडिटरी में इतना मसला नहीं आ रहा होता, लेकिन कभी कभी हमें इसमें ऑडियोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, आगे चलते हैं। और नाहिद साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हर फील्ड में कुछ ना कुछ मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। इस डिसलेक्सिया के साथ भी आई एम श्योर के बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस होंगे, तो आप कुछ ऐसे कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस जो लोगों के जहनों में हैं डिसलेक्सिया को लेके, उसके बारे में अगर थोड़ा सा हमें बता सकें और एड्रेस कर सकें उनको। जी बिल्कुल, डिफरेंट मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं डिसलेक्सिया बच्चों के बारे में हैं कि जैसे बच्चा पढ़ नहीं सकता, या पेरेंट्स के जो है इश्यूज होते हैं आगे हायर स्टडीज में क्या होगा बच्चे के साथ, और इसको किस तरह से अगर ये चीजें नहीं सीख पा रहा, लाइक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि राइमिंग का इशू होता है और सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम होता है कि वो ये चीजें याद नहीं कर पाता, तो क्या वो आगे बढ़ सकता है? तो इसका जवाब ये है कि हम जब बच्चों के साथ काम करना शुरू करते हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब राहत कर चुकी हैं कि डिसलेक्सिक पेशेंट या तो हाई अबव इंटेलिजेंस लेवल के हैं, या फिर उनका जो इंटेलिजेंस लेवल IQ लेवल जिसे कहा जाता है कि वो कम होता है, तो माशाल्लाह ये जहीन बच्चे होते हैं और आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा इनके चांसेस होते हैं, लेकिन डिफरेंट स्ट्रेटजीज और इंटरवेंशंस को साथ लेके चला जाए तो वो आगे जा सकते हैं। तो फरहीन साहबा, इसी क्वेश्चन पे अगर आप कमेंट करना चाहें मिसकॉन्सेप्शंस पे, और इसके साथ मैं एक और सवाल भी जोड़ देता हूँ साथ, के डिसलेक्सिया और जो दूसरे लर्निंग चैलेंजेस हैं किसी भी इंडिविजुअल को, उन दोनों में आप कैसे सेग्रीगेशन करते हैं, ये डिसलेक्सिया है, ये डिसलेक्सिया के साथ एसोसिएटेड कुछ और चैलेंजेस हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, तो इन दोनों को सेग्रीगेट भी किया जा सकता है, सेपरेट करके देखा जाता है, आप कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, सेग्रीगेट किया जा सकता है इनको। पहले पहली मिसकॉन्सेप्शन की तरफ आते हैं। सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन तो हमारा डिसलेक्सिया को लेके मिररिंग वाला ही है कि बा और डा का एरर होगा बच्चे में, या आर को मिरर कर रहा होगा तो उसे डिसलेक्सिया है, दैट्स नॉट ट्रू। फिर इसके अलावा हमारा ये मिसकॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो शायद इसको अगर बहुत अच्छी इंटरवेंशन या बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन, रीडिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाए तो वो कवर कर लेगा, तो ये भी ट्रू नहीं है, बिकॉज जो उनकी इन प्रॉब्लम होती है वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड होती है, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं होती। फिर एक जो हमारा मिसकंसेप्शन है कि IQ बच्चे का, शायद क्योंकि वो रीडिंग नहीं कर पा रहा, लिखने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डिसलेक्सिया भी स्पेक्ट्रम की तरह है, इट कुड बी अ माइट स्लाइटली डिसलेक्सिया हो सकता है किसी को कि उसको प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ रीडिंग में, और किसी को इतने स्पेक्ट्रम में इतना आगे तक हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम आ रही हो अपनी थॉट को प्रोसेस करने में भी इवन, तो दिस इज समथिंग जो स्पेक्ट्रम में होती है। तो इसको भी अगर हम इस तरह से देखें, सीक्वेंसिंग की इसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे नाहिद साहिबा ने भी जिक्र किया, तो इससे रिलेटेड जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उसमें यही है कि एक तो जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि हम क्योर कर सकते हैं डिसलेक्सिया की, अगर हम 4-5 साल इंटरवेंशन करेंगे तो वो क्योर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। फिर दूसरा जो हमारा मिसकॉन्सेप्शन है कि शायद बच्चा अगर उसे डिसलेक्सिया है तो शायद वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि डेफिनेटली जब वो रीड नहीं कर पाता तो उसकी वोकैबलरी, उसकी नॉलेज जो है वो एक तरह से सिकुड़ने लगती है ना, क्योंकि रीडिंग से ही तो हम सीखते हैं, हमारी इंसिडेंटल लर्निंग नॉलेज वहीं से एक्सपेंड होती है। लेकिन यहाँ पे इस मिसकॉन्सेप्शन के लिए मैं खास तौर पे ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे डिसलेक्सिक बच्चे होते हैं दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इतनी जबरदस्त होती हैं और वो
दे आर काइंड ऑफ, वो ना आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचते हैं। मैं और राइट आप जिस चीज को जिस तरह से सोच रहे होंगे, उनके सोचने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो वो बच्चे जिनका अबव एवरेज IQ होता है, दे आर रियली स्टार किड्स। वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको टारगेटेड उनकी ट्रेनिंग की जाए, रिगार्डलेस सिर्फ इस चीज को दिमाग से निकाल के कि हमें रीडिंग इंटरवेंशन करनी है। देर आर सो मेनी थिंग्स जिसपे हम उनको इंटरवीन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं दोबारा से क्लियर करना चाहूंगा, जो आपने मिररिंग का बात की, ब और ड का, मतलब आपने ये कहना चाहा या मैं ये समझा कि ये फैक्टर नहीं है अब कि जी ये होगा, जी ये लेकिन मैं फैक्टर नहीं है। ये पूछना चाह रहा हूँ कि दिस कैन बी वन ऑफ द फीचर्स के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यस, दिस कैन बी वन ऑफ द फीचर, दिस कैन बी वन ऑफ द फीचर, लेकिन ये फीचर हमें बहुत सारी और चीजों में मिलता है, बहुत सारे और डिसऑर्डर हैं, तो हम इसको खाली डिसलेक्सिया के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। राइट राइट. और हम जो लर्निंग चैलेंजेस और डिसलेक्सिया को सेग्रीगेट कैसे करके देखते हैं, या आप लोग कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं? जी, इसको हम सेग्रीगेट करने के लिए, जो हमारा डिसलेक्सिया है ना, ये खास तौर पे एसोसिएटेड होता है वर्ड्स के साथ, जो लव्स है ना उनके साथ। इन बच्चों का बाज दफा मैथमेटिकल स्किल्स बहुत जबरदस्त होती हैं, जो लेकिन हाँ, इन बच्चों को जो हमारी जो इनकी राइटिंग स्किल्स है ना, उसमें इनको प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कि अल्फाजों के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, और वो इसलिए होता है कि चूंकि ये मैंने पहले भी कहा कि प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, विजुअल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है उनको। हालांकि ये नजर की कमजोरी नहीं है, कि अगर हम ये कहें कि शायद ग्लासेस लगा दिए जाएं तो शायद वो अच्छा प्रोसेस करने लगे, नहीं, वो उनकी विजुअल प्रोसेसिंग में उनको प्रॉब्लम हो रही होती। तो वो जो अल्फाजों के दरमियान डिस्टेंस है, या एक लफ्ज में लेटर्स के दरमियान डिस्टेंस है, वो बहुत वाजे नजर आ रहा होता है, वो टेढ़े तिरछे लिखे हुए होते हैं, कोई नीचे गिर रहा होता है वर्ड्स में, या तो बिल्कुल जो सेंटेंस है उसमें अल्फाजों में डिस्टेंस नहीं होगा। जो दूसरे लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हम डिसग्राफिया लें, डिसग्राफिया में हमारे इस किस्म के सिम्टम्स आ जाते हैं, लेकिन देन डिसग्राफिया में हमारी सोचने का जो अंदाज होगा ना, वो भी डिफरेंट होगा। मतलब बच्चा जो है ना, अपनी सोच को कोहेरेंट नहीं कर पा रहा होगा। जैसे अभी मैं एक बात कर रही हूँ, उसके साथ मैं अभी रात के खाने का जिक्र कर दूं, फिर मैं सुबह पे बात ले आऊं, तो वो सारा इधर उधर जंबल अप होगी, वो उसकी राइटिंग में भी नजर आएगी। राइट राइट. इसी तरह से अगर हम डिसकैलकुलिया की बात करें, तो वहां बच्चे को अगेन पैटर्न्स की प्रॉब्लम हो रही है, और वो पैटर्न्स और सीक्वेंस नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ उसको नंबर्स के साथ होगी, वर्ड्स के साथ नहीं होगी। यानी कि उसको राइमिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो फोनेमिक अवेयरनेस है, यानी कि लफ्ज के अंदर सुनना कि उस लफ्ज में कौन कौन सी साउंड है, वो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको नंबर्स के साथ प्रॉब्लम होगी। वर्किंग मेमोरी उसकी भी इफेक्टेड होगी, लेकिन उसकी प्रॉब्लम नंबर से रिलेटेड होगी, वर्ड से रिलेटेड नहीं होगी। अच्छा, ये भी ठीक है कि एक बच्चे को जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी चैलेंजेस हों, डिफरेंट बच्चों को बिल्कुल कैपेसिटी में इन सब का मिक्सचर भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है, और इसी तरह चलता है. तो जो डिफरेंट इंटरवेंशंस यूज होती हैं इन बच्चों के लिए, वो भी ऑब्वियसली डिफरेंट यूज होती होंगी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, के उस बच्चे की या उस इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है क्या, और उसको किस किस सेगमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो फरहीन साहबा, इसको बताइएगा कि इंटरवेंशंस क्या, इंटरवेंशन टेक्निक्स कॉमनली यूज होती हैं इन बच्चों के लिए, इनके चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए? अच्छा जी, इंटरवेंशन हमारी डिफरेंट हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज में। लाइक अगर स्कूल में इंटरवेंशन हो रही होगी, तो दे आर मोर फोकस्ड अबाउट द, मतलब वो उनका ज्यादा फोकस होगा रीडिंग्स की तरफ, कि वो रीडिंग को इंटरवीन करें, रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाएं। बीइंग अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और बिहेवियर कॉग्निटिव स्पेशलिस्ट, मैं ये समझती हूँ कि रादर देन फोकस ऑन
रीडिंग, अगर हम उसकी प्रोसेसिंग स्किल को फोकस करें, अगर हम उसकी फोनोलॉजिकल फोनेमिक अवेयरनेस को फोकस करें, अगर हम उसकी रैपिड नेमिंग स्किल को फोकस करें, यानी कि उस बच्चे की एक-एक चीज में जहां उसको प्रॉब्लम आ रही है उसको डायरेक्टली टारगेट करें, रादर देन कोई प्रोग्राम जो बना बनाया प्रोग्राम हो, हम वो लेके उसके साथ उसको रीडिंग पे सिखाना और फोनेक्स और फोनेटिक्स पे शुरू हो जाए। उससे बेहतर मुझे ये लगता है कि मैं अपने बच्चे को असेस करूं उसके लेवल पे कि उसे किस किस चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर बच्चे की प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, और फिर उसका इंडिविजुअलाइज प्लान बने कि मैं उसकी प्रोसेसिंग स्किल्स को या मैं उसकी विजुअल प्रोसेसिंग को या ऑडिटरी प्रोसेसिंग को किस तरह से सपोर्ट कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए अभी जो रिसेंटली रिसेंट तो नहीं है, 2020 में पब्लिश हुआ था कॉग्निटिव उस पे एक पेपर, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो ऑडिटरी जो स्पेलिंग प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को, दे आर एसोसिएटेड विद द ऑडिटरी प्रोसेसिंग। और किस तरह से, जैसे अगर मैंने उस बच्चे से कहा पोस्ट और बच्चे ने लिखा पोट, उसने पोट पॉट क्यों लिखा, इसलिए कि उसको की साउंड जिसमें फ्रैक्शन है वो उसको सुनाई ही बाद में दिया, मतलब उसकी प्रोसेसिंग स्पीड उसके सुनने के लिए कम थी, तो उसने सिर्फ सुना ही पॉट, तो उसने डेफिनेटली जो उसने स्पेलिंग लिखी उसने वो ही लिखी जो उसने सुनी। तो रादर देन मैं उसको स्पेलिंग सिखाने के, क्योंकि उसने लिखने में कोई गलती नहीं की, अगर हम इस थ्योरी की बेस पे देखें तो उसने लिखने में एक्चुअली कोई गलती नहीं की, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, उसकी प्रोसेसिंग मिस्टेक है कि उसने वो साउंड, वो फ्रैक्शन जो हमारा साउंड में होता है वो उसको डिलीवर डिले हुआ, उसने एस से पहले टी सुना तो वो उसने टी पहले लिखा। तो अगर हम इसको इसी तरह एड्रेस करें तो हम ज्यादा बेहतर बच्चे को इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट अच्छा, इंटरवेंशंस की बात हो रही है और हमने अभी रिसेंटली देखा है कि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, तो हर फील्ड में, चाहे वो स्पीच हो, बिहेवियर हो, ओटी हो, बहुत तेजी से चेंजेस आ रही हैं और बहुत तेजी से जो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होती जा रही हैं इन बच्चों के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा नाहिद साहब के, क्या समझती हैं आप कि टेक्नोलॉजी से इन बच्चों की सपोर्ट में कितना फर्क पड़ रहा है, और क्या असिस्टिव टेक्नोलॉजीज या असिस्टिव डिवाइसेस से भी इन बच्चों को सपोर्ट करने में मदद मिल रही है, मिल सकती है, तो क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोलॉजी जैसे जिंदगी के हर मैदान में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। इसी तरह से डिसलेक्सिया जिन बच्चों को है उनके लिए भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। बहुत से सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं कि जिनके थ्रू बच्चों को जो है लर्निंग में काफी आसानी हो रही है, और इन सॉफ्टवेयर को हम टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर ये यूज किया जाता है, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर ये यूज किया जाता है। इसके अलावा स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर्स लाइक जैसे परहीन साहिबा बता रही थी कि फोनिक्स या साउंड्स में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होती है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि जिनकी बिना पर बच्चा जो है उसकी साउंड लर्निंग एबिलिटीज को काफी बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा नॉट टेकिंग एप्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग डिवाइसेस मौजूद हैं, ये तमाम चीजें अवेलेबल हैं और ये बहुत हेल्प आउट कर रही हैं डिसलेक्सिया जिन बच्चों को है और जो लोग डिसलेक्सिया का शिकार हैं। अगर इस पे भी आप कुछ ऐड करना चाहें फरीन साहबा, तो ऐड कर दीजिएगा। और जी हमारे जी 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 बिल्कुल, पहले मैं ऐड कर देती हूँ फिर मैं आपका क्वेश्चन सुनती राइट हूँ, क्योंकि मुझे भी शायद डिसलेक्सिया हो गया है, मैं भूल जा रही हूँ कि क्या क्वेश्चन है। सो इट इज मेरी भी मतलब प्रोसेसिंग स्किल थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो रही है इस वक्त। सो
जैसे नाहिद साहिबा ने हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया, उसमें मैं मुझे जो सबसे अच्छी लगती है, जो स्टूडेंट्स के लिए हम बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट में ही एक फीचर है, इंक टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू इंक का। तो ओके वो जो हम अगर वन नोट यूज करवाएं बच्चों को और वो वहां से जस्ट टेकिंग अ पिक्चर ऑफ नोट और उसको वो फिर उसको ट्रांसलेट कर देता है टाइपिंग मटेरियल में, एंड देन वहीं से वो माइक्रोसॉफ्ट उसको टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि जो टेक्स्ट टाइप हुआ उसको वो एज एन स्पीच, जैसे मैं बात कर रही हूँ, वो उसको पढ़ के भी सुना देगा। एंड देन देयर इज एन ऑप्शन के आप मेल वॉइस में सुनेंगे या फीमेल वॉइस में सुनेंगे या 2x स्पीड पे सुनेंगे या 1x स्पीड पे सुनेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, बशर्त ये कि हम बीइंग अ प्रोफेशनल उसको अपने सेशंस में यूज करें और पेरेंट्स को उन सब चीजों के साथ इक्विप्ड करें। ओके अब मैं अपना सवाल ऐड करता हूँ, और वो ये है कि इसके साथ ही है कि हम क्लासरूम, जब क्लासरूम की बात करते हैं, वहाँ पे जो ऐसे बच्चे हैं जिनको डिसलेक्सिक हैं, चैलेंजेस हैं, तो क्लासरूम में टीचर क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकती हैं, जिसको हम क्लासरूम स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें, जो इन बच्चों की सपोर्ट के लिए मददगार साबित हो, ये मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। जी क्लासरूम जी बिल्कुल स्ट्रेटजी, जी, नाई जी प्लीज कैरी ऑन। जी हाँ जी, क्लासरूम में एक तो सबसे पहले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली अगर बहुत ज्यादा क्लास में बच्चे हैं, बहुत ज्यादा शोर है, और जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग का इशू आता है, तो जब एक बच्चा प्रॉपर तौर पे वर्ड्स ही नहीं सुन रहा और बैकग्राउंड में काफी शोर है, तो ये चीजें बच्चे को जो है बहुत यानी उसकी वजह से उसको समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। तो क्लास स्ट्रेंथ इज द बेसिक थिंग जिस पर फोकस करना है। सेकेंड चीज आ जाती है कि प्रॉपर लाइट का होना बहुत जरूरी है, बच्चे को प्रॉपर अगर वाइट बोर्ड है व्हाटएवर, लेकिन क्लास में जो लाइट है वो बोर्ड पे सही तौर पर हो ताकि बच्चा सही विजुअलाइज कर सके। इसके अलावा उसकी सिटिंग पोजीशन यानी वो कहाँ बैठा है, किस जगह पर बैठा है, बहुत दूर तो नहीं बैठा, कि उसको सुनने में जाहिर है अगर बहुत बड़ा क्लासरूम है, अगर आवाज गूंज रही है, उसको सही समझ नहीं आ रही, सही नजर नहीं आ रहा, तो ये तमाम चीजें सिर्फ डिसलेक्सिक बच्चे को नहीं लेकिन हर बच्चे को ही अफेक्ट करती हैं। तो एक प्रॉपर सेटअप का हर बच्चे के लिए क्लासरूम का होना बहुत जरूरी है, और टीचर जो है वो इसमें उनका काफी रोल है कि उनका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारे यहाँ पे जैसे डिफरेंट एक्सेंट यूज किया जाता है यानी लहजा हमारा, हम अगर पठान है, सराइकी है, तो वो लहजा भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो क्लैरिटी का होना, आप किसी भी लहजे से, किसी भी आपकी मदर जो टंग जो भी है, लेकिन आपकी जो क्लैरिटी है और शॉर्ट बात, ताकि बच्चों को, सब बच्चों को समझ आए। अब होता है ये कि क्लास में जो इंस्ट्रक्शन पास की जाती हैं वो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स और बच्चे के लेवल के मुताबिक नहीं होते, वो इस्तेमाल किए जाते हैं और क्लैरिटी भी नहीं होती, तो बच्चे को समझ ही नहीं आता। एकदम लंबा जुमला बोल दिया जाता है बच्चे के सामने, तो वो समझेगा क्या 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 कहा गया। तो शॉर्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शन बच्चे को देना बहुत जरूरी है टीचर के लिए स्पेशली, ताकि बच्चा उस चीज को समझ सके। और जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि स्पेलिंग्स में, साउंड प्रोसेसिंग में, जैसे बच्चों को इमला दी जाती है उर्दू की, इंग्लिश की, तो बेसिक इमला ही की बात हम कर रहे हैं कि हम जो वर्ड बोलेंगे बच्चा जिस तरह से सुनेगा वो उसी तरह से लिखेगा। तो ये तमाम चीजें हैं कि अगर हमारी क्लैरिटी होगी, हम सही वे में बच्चों को मैसेज देंगे, इंस्ट्रक्शन पास करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पास करने में यानी जिसको हम कमांड फॉलो कहते हैं, तो वो बच्चा प्रॉपर तौर पे वो नहीं समझ सकेगा कि वो क्या उसे कहा जा रहा है। कुछ ऐड करना ठीक चाहेंगे है करीन साहब?
जी, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि 2 से 3 चीजें हैं जो मैं रेकमेंड करूंगी कि बच्चों के साथ की जाएं क्लासरूम में. नंबर 1, उनकी पेयर ग्रुप्स उनके हों, जो भी उनका दोस्त है, क्लास फेलो है, उसके साथ एक बच्चे को एक बच्चे के साथ या एक बच्चे को 2 बच्चों के साथ पेयर अप किया जाए, ताकि जब वो इंस्ट्रक्शन उसे मिल रही हो तो ही कैन टेक अ क्लू, वो राइट और लेफ्ट पे देख के अपना क्लू क्लू वहां से ले ले, पहले एक चीज. दूसरी चीज, आपका जो सिस्टम हो, व्हेन यू नो कि बच्चे को डिसलेक्सिया है तो यू नीड टू मॉडिफाई कैरिकुलम, जो कि दुनिया में हर जगह होता है. इवन ए लेवल्स और IGCSE का जब आप एग्जाम देते हैं कैम्ब्रिज में, दे गिव यू द एक्सेस के आपको, अगर यू हैव वैलिड रिपोर्ट, ऑथेंटिक प्रोफेशनल की आप रिपोर्ट सबमिट करवाएं, तो आपको एक्सेस अरेंजमेंट मिलते हैं. ऑल टुगेदर जो कैम्ब्रिज के हैं वो 32 एक्सेस अरेंजमेंट हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे यहाँ शायद प्रोफेशनल को भी उस पे इतनी नॉलेज नहीं है कि वो एक्सेस अरेंजमेंट क्या है और किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं. वही एक्सेस अरेंजमेंट जो है हम अपने क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इससे बच्चे की लर्निंग इम्प्रूव होगी. उसमें सबसे पहले ये है कि हम कैरिकुलम को मॉडिफाई करें. एक हमारा एक्सटेंडेड कैरिकुलम होता है जो कि अबव एवरेज बच्चों के लिए होता है. एक हमारा कैरिकुलम होता है कोर कैरिकुलम, जो हमारी बेसिक लर्निंग नीड्स होती हैं जो उस लेवल के बच्चे को आनी चाहिए, वो सबके लिए होता है. तो हमारा हमारे सिस्टम में कैरिकुलम जो है वो 2 में डिवाइडेड है नहीं. एक्चुअली सही। हमारी एक ही बुक होती है, वो पूरी की पूरी सबके लिए होती है, तो दैट इज नॉट रेकमेंडेड. हमारा कैरिकुलम डिफाइंड होना चाहिए, बाकायदा डिवाइड होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं सोशल स्टडी में ये मुझे टॉपिक पढ़ना है, या फॉर एग्जाम्पल मैं लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई पढ़ रही हूँ साइंस में, या मुझे अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो मुझे एक डिसेबिलिटी वाले बच्चे को कितना पढ़ाना है और एक 6th क्लास के बच्चे को, दूसरे जो टिपिकल 6th क्लास का बच्चा है, उसे मुझे कितना पढ़ाना है. इसके साथ साथ एक्सटेंडेड टाइम, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग एन असाइनमेंट टू द चाइल्ड, तो जो आपने सारी क्लास को टाइम दिया है उससे आप ज्यादा टाइम देंगे उस बच्चे को. अगर वो पेपर कर रहा है तो आप उसको 25% एक्स्ट्रा टाइम आपके ए लेवल्स और ओ लेवल्स के पेपर्स में भी कैम्ब्रिज देता है. तो इसको हमारे सिस्टम में भी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए कि अगर बच्चा, अगर 6th क्लास का बच्चा, 4th क्लास का बच्चा बैठ के अपना पेपर कर रहा है, तो उसको बाकी बच्चों के निस्बत 20% 25% टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि उसके प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो रही है. ही नीड एन एक्स्ट्रा टाइम टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, जो उसने रीड किया है उसको प्रोसेस में उसे इंफॉर्मेशन चाहिए. इसके अलावा रीडिंग इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई होने की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को जो रीडिंग में जिसको प्रॉब्लम हो रही है, बजाय उसको उसको हम कैम्ब्रिज के, अगर मैं फिर अगेन कैम्ब्रिज की ही मिसाल दूंगी, कि अगर बच्चे को डिसलेक्सिया हो तो वो आपके साथ एक हेल्पर होता है जो बच्चे के लिए पेपर रीड करता है, एंड देन बच्चा जस्ट लिसन, उसको सुने और उसका आंसर लिखे. तो ये हम अपने सिस्टम में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि जब हम क्लासरूम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, रादर देन के चलें जी खड़े हो जाएं, सफा नंबर 25 से पैराग्राफ 2 पढ़ना शुरू हो जाएं, ये इंस्ट्रक्शन सारे बच्चों के लिए नहीं है. सो वी नीड टू रियलाइज कि हमें कहाँ से क्या काम करना है. लेकिन हमें सबसे पहले तो ये जो यहाँ से अगर बात शुरू हुई है, तो क्या हमारे जो टीचर्स हैं वो इस चीज के अवेयर भी हैं? क्योंकि तो बहुत से बच्चे जो हमारे मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं, जिनको डिसलेक्सिया है भी सही, डायग्नोज नहीं हुआ हुआ, लेकिन हमारे टीचर्स को भी इस साइड की अवेयरनेस किस हद तक है कि वो कुछ थोड़ा बहुत पिक कर सकें कि हाँ, इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है? तो मैं इसको पहले तो चीज ये है कि क्या हमारे टीचर्स ही इस अवेयरनेस इतनी है उनको? अगर नहीं है तो सबसे पहले उन पे क्या काम करने की जरूरत है? देखिए, अवेयरनेस की अगर आप बात करें, तो अगर हम कैरिकुलम देखें BEd का और MEd का, तो उसमें हमारी डिसेबिलिटीज के चैप्टर इंक्लूडेड हैं. सो अगर आपके स्कूल में एक क्वालिफाइड टीचर है जिसको ट्रूली स्पीकिंग MEd होना चाहिए या BEd होना चाहिए, तो अगर वो MEd और BEd है और वो पढ़ के ही आया है,
तो डेफिनेटली उसको इन्फॉर्मेशन होगी. लेकिन अगर मैं अपनी अपने बजट को कम करने के लिए मैं अपने स्कूल में एक इंटर पास लड़की को रख रही हूँ, इंटर पास बच्ची को क्या इन्फॉर्मेशन होगी, आप मुझे ये बताएं. अगर मेरे प्री स्कूल में एक मैट्रिक पास या इंटर पास या अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो एक ए लेवल्स की बच्ची आके पढ़ा रही है, तो उसको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कितनी होगी या फोनेमिक अवेयरनेस उसको क्या पता होगा कि क्या चीज होती है, किसको हम फोनेमिक अवेयरनेस कहते हैं. तो वो तो फिर डेफिनेटली फिर ये कसूर जो है टीचर से ज्यादा मेरे ख्याल से सिस्टम का हो जाता है, कि जहाँ मैं और आप ज्यादा मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, जो हम अगर अपना सेंटर चला रहे हैं या अपने गिर्द अवेयरनेस को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है कि हमारे टीचर प्रॉपर नॉलेज के साथ आए. राइट जी बिल्कुल. जी मैं भी श्योर इसमें ऐड करना चाहूंगी कि टीचर्स ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. लाइक जैसे इस्लामाबाद में गवर्नमेंट सेटअप भी है, और डिसलेक्सिया पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे भी बहुत काम हो रहा है. लेकिन टीचर्स यही समझती हैं कि बच्चा सही तौर पे रीडिंग नहीं कर रहा, ये डिसलेक्सिया का शिकार है. तो अब वहाँ पर अवेयरनेस का, और क्योंकि डिसलेक्सिया सिर्फ रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, जैसे हम बार बार इस टॉपिक में बता रहे हैं कि ये प्रोसेसिंग इशू है, तो ये तमाम मालूमात और टीचर्स ट्रेनिंग, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट कि उन पर फोकस किया जाए. हर चीज पे पाकिस्तान में तो हर चीज पे काम करने की जरूरत है, इतना स्पेस है, इतना काम कर, बंदे थोड़े हैं और काम ज्यादा है. तो मैं नेक्स्ट आगे चलूंगा और ये ज्यादा करने की जरूरत, एजुकेशन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम हमारा एजुकेशन सिस्टम बजट उसको सिर्फ रिड्यूस स्कूल को, करते जा रहे हैं एजुकेशन को. आपको मैं बताऊं बजट किसमें यूज हो रहा है, स्कूल्स को पेंट किया जा रहा है, क्लासरूम को डेकोरेट किया जा रहा है, जो काम को मेन फोकस है डेकोरेट. टीचर्स ट्रेनिंग वो उस पर है नहीं फोकस. अच्छा खैर, ये चीजें भी साथ साथ जरूरी तो हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज हैं क्या. अच्छा, एक चीज हम बिल्कुल. टीचर्स पे बात की, हमने स्कूल सिस्टम पे बात की, तो मैं पेरेंट्स की भी बात करना चाहूंगा कि पेरेंट्स को आप क्या समझते हैं कि उनको भी अवेयरनेस लेनी चाहिए जब उनके बच्चों के साथ कुछ भी चैलेंज हो, चाहे वो डिसलेक्सिया हो या कुछ और हो, तो वो कैसे घर पे सपोर्ट दे सकते हैं अपने उन बच्चों को जिनके साथ, अगर हम अभी तो खैर डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं, तो डिसलेक्सिया वाले बच्चों को या इंडिविजुअल्स को घर पे पेरेंट्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में क्या कहती हैं? जी बिल्कुल. असल में माँ बाप सबसे पहले आ जाते हैं जिनको इस बारे में अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है. अब होता ये है कि माँ बाप अपने बच्चों में कंपैरिजन भी बहुत करते हैं, या अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ भी बहुत ज्यादा करते हैं कि मेरा बच्चा 5 साल का है और मेरा बच्चा ये चीजें नहीं कर रहा, लेकिन मेरा भांजा या भतीजा ये सारी चीजें कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, चाहे 4 बच्चे भी एक माँ के हैं, हर सही. बच्चा डिफरेंट होता है. तो हमें तमाम बच्चों के प्रॉब्लम्स को पहले तो पेरेंट्स बहसियत है माँ को समझना चाहिए कि ये तमाम मसाइल हैं क्या. उससे होता ही है कि बच्चे की जो सेल्फ स्टीम है वो डेवलप नहीं होती, उसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज या सोशल इमोशनल स्किल्स उसकी पुअर होना शुरू हो जाती है. यानी उसको बार बार कहा जाए ये सही नहीं बोलता, और बच्चा खुद भी जब एक दफा मार डांट देगी कि क्या किया है, कैसे बोला है, ये क्यों किया है, तो बच्चा डर जाता है, तो चीज रोक देता है कि ये मैं अब क्यों बोलूं. और तो सबसे पहले जो दर्द का है वो तो घर है और माँ है जिसने उसको सिखाना है. तो माँ को और माँ को, इन दोनों को तालीम देना डिसलेक्सिया के बारे में बहुत जरूरी है. उनको ये बताया जाए कि बच्चे की ब्रेन में ही इशू है जिसकी वजह से ये इस तरह के प्रॉब्लम्स में कर रहा है. लेकिन क्योंकि माँ बाप को अवेयरनेस नहीं होती, पढ़ाई में बस बच्चे को एक और स्कूल से शिकायत का सिलसिला शुरू हो जाता है, माँ बाप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि अब इस सिचुएशन में किया जाए. तो अगर टीचर्स पेरेंट्स एक वो टीम वर्क फिर बिल्डअप
होना बहुत जरूरी है कि ये तमाम एज पे इश्यूज आना चाहिए पेरेंट्स को जिसमें भी एस्टेब्लिशमेंट बताया हो जाए। पे, तो हमें भी पेरेंट्स और टीचर्स और सिस्टम को एक पेज पे लाना चाहिए ताकि इसमें बेहतरी आ सके। फरीद साहब, इसमें इसको भी एड्रेस कीजिएगा, साथ ही अगर आप महसूस ना करें तो मैं साथ सवाल जोड़ देता हूँ कि पेरेंट्स के साथ जो है, जो ये बच्चे समझदार हैं, ये शिक्षा वाले भी बच्चे समझदार हैं, वो भी सुन रहे होते हैं सारी चीजें, तो जब उनकी ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम टुवर्ड्स हायर एजुकेशन या टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट की तरफ, तो उनका फ्रेम ऑफ माइंड क्या होना चाहिए? उनके लिए भी कुछ आप इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगी या कुछ टिप्स देना बिल्कुल चाहेंगी कि वो किस तरह अपने आप को लेके चले? देखें, अब वही हम वापस पीछे की तरफ जाएंगे जो आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है, तो डेफिनेटली दिस इज ऑल हेयर टू हेल्प अस, और हमें उसको अपने घर में अपने बच्चों के साथ यूज करना चाहिए। अब जैसे आप छोटे बच्चा है अगर आपका, और उसको प्रॉब्लम हो रही है रीडिंग राइटिंग की, तो हम डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्कुल लेटेस्ट है हमारे पास कि हम न्यूरो फीडबैक यूज करते हैं जिसको, या बायो फीडबैक कहते हैं हम। अब बायो फीडबैक क्या होता है, चूंकि ये अब ऑडिटरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड बात आ जाती है, तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसपे हमें साउंड नजर आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा पेट, तो प ए ट, तो वो पूरा मुझे वेव फॉर्म में नजर आएगा। अब वो जब मैं उस बच्चे से कहूंगी कि वो बोले और देखे, और खास तौर पे ये बड़े बच्चों के साथ बहुत अच्छा होता है, जब आप उसको बायो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो दे कैन गेट द थिंग्स बहुत अर्लियर, उनको समझना समझ में आने लगता है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह जब वो जॉब की तरफ ट्रांजिशन हो रहा होता है उनका, उस वक्त भी उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन्हें एक्चुअली किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे नोट टेकिंग एप्स का जिक्र किया था नाहिद साहिबा ने, वो बहुत अच्छी हमारे पास एप्स हैं। नोटेबिलिटी जो हमारी आईपैड से आईफोन से कंपेटेबल है, दैट इज एन एक्सीलेंट ऐप, और उस पे आप पेंसिल से लिख सकते हैं। एवर नोट जो हमारी गूगल की ऐप है, दैट इज एक्सीलेंट ऐप। वन नोट इट्स एन एक्सीलेंट ऐप। आप ये सारी एप्स यूज कर सकते हैं जहां आप फोल्डर बाइंडर्स बना सकते हैं कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। सो जो आपकी मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम हो रही है, डेफिनेटली अगर मैं एक यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा हूँ, और तो मुझे बखूबी अंदाजा होगा कि मुझे किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना असाइनमेंट वक्त पे सबमिट नहीं करवा सकती, ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे डिसलेक्सिया है, तो मुझे पता है कि मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाने में प्रॉब्लम होनी है। अब जब यूनिवर्सिटी में आपको असाइनमेंट मिला, तो आप उसी वक्त उसको डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं टाइम को। अब बच्चे को ये ब्रेक डाउन किसने सिखाना है, या तो प्रोफेशनल सिखाएंगे या पेरेंट्स सिखाएंगे कि आप अपने टाइम को किस तरह ब्रेक डाउन करेंगे। आपने असाइनमेंट में आपके क्या क्या पार्ट्स होंगे, फिर आप उस पार्ट पे हर एक का अलार्म लगाएं कि ये आपको, आपकी ये डेडलाइन है, इस पे ये आपने इस पे करना है, ये आपने इस पे करना है। सेम गोज टू जॉब, कि अगर आप जॉब पे हैं, वहां आपका कोई असाइनमेंट है, आपने उसको किस तरह से कंप्लीट करना है। तो अब इट्स रियली इजी कि हम इस किस्म की डिसेबिलिटी के साथ काम कर सकें या काम करवा सकें। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मिशन, हमारा जो विजन मिशन है तरतीब का, उसमें ये इंक्लूडेड है कि हम एंटरप्रेनर्स बनाएं। राइट, ओके जी। तो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं। वो ये कि आप क्या समझती हैं कि क्या इनफ बात हो रही है इस टॉपिक पे, डिसलेक्सिया पे? हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में अगर नहीं हो रही तो हम लोग मिल के, एजुकेटर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, थेरापिस्ट हैं, जिनके पास ये बच्चे आते हैं, पहले तो ये बताइए कि क्या इनफ बात हो रही है, और दूसरा ये कि अगर नहीं हो रही तो हमारे पास कौन कौन से फोरम हैं, हमें क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए?
जी, अगर मैं इसको सम अप करूं तो सबसे पहले तो हमें शायद इसकी सिवियरिटी का अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि अगर ओवरऑल देखें तो हम शायद समझते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट 5% है, ऑटिज्म 36% हो गया है जो कि मजीद बढ़ेगा, लेकिन डिसलेक्सिया ओरिजिनली हमारे पास, हमारे जो टिपिकल बच्चे हैं उसमें 15 to 20% स्कूल गोइंग बच्चों में डिसलेक्सिया होता है, एंड दैट इज आशा की रिपोर्ट है ये, तो उसके मुताबिक अगर हम देखें तो इट्स अ ह्यूज नंबर जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है स्कूल में, और हम सिर्फ ये कह के कि ठीक है सुन लिया लेकिन काम नहीं किया, होमवर्क दिया था करके नहीं लाया, तो मेरे ख्याल से इस पे हमें और अवेयरनेस की जरूरत है, हमें और सेशंस की जरूरत है, हमें और ट्रेनिंग की जरूरत है, और मेरे ख्याल से हमारे प्रोफेशनल्स में भी, टीचर्स में भी ये एक एप्टीट्यूड बिल्ड होने की जरूरत है कि हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी उम्र में किसी से भी सीख सकते हैं, इट्स नॉट लाइक मेरी डिग्री ज्यादा है तो शायद मैं इनसे नहीं सीख सकती, डेफिनेटली इफ समवन इज देयर तो उन्होंने डेफिनेटली कुछ किया ही होगा, तो वो वहां खड़े हैं ना, एटलीस्ट मैं उनका पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन सकती हूँ ना, फिर मैं उसको जज कर सकती हूँ कि हाँ जी वो क्या कह रहे हैं, क्या वो वाकई फायदेमंद है, तो मेरे ख्याल से अभी हमें बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, हम सबको ज्वाइन करने की, हैंड्स ज्वाइन करने की जरूरत है, और इस पर मजीद बात होने की जरूरत है। राइट नाहिद साहबा, एनी लास्ट वर्ड्स के फिर हम इसको सेशन क्लोज करें। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा, इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स में अभी भी इस्लामाबाद में देखती हूँ उनके बच्चों को डिसलेक्सिया है और वो अवेयर ही नहीं है, बहुत से प्रोफेशनल्स के पास भी गए हैं लेकिन प्रोफेशनल्स के भी जो है डायग्नोस नहीं कर पाए कि बच्चे को डिसलेक्सिया है, तो जब माँ बाप को ये चीज मालूम होती है तो उनके लिए एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आ जाती है, तो सबसे पहले तो उनको पेरेंट्स को बताने की जरूरत है कि आपका अगर बच्चा डिसलेक्सी है तो वो बेहतर किन किन बुनियाद पर, यानी उसको बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है, तो और एजुकेशन सिस्टम भी हमारा, उसको भी अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि टीचर्स और तमाम प्रोफेशनल्स मिलके इन बच्चों के साथ काम कर सकें। राइट जी, हमारी भी कोशिश होगी जी कि हम इस टॉपिक पे मज़ीद भी बात कर सकें डिफरेंट एंगल से डिफरेंट सेशंस में, और इसी के साथ ही हम अपना ये वाला सेशन जो है इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि इस सेशन से भी मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, तो हमारे व्यूवर्स को भी सीखने को मिलेगा, और हमारी कोशिश होगी आगे भी हम अपनी ये कोशिश जारी रखें। सो थैंक यू वेरी मच जी आप दोनों का कि आपने टाइम निकाला वंस अगेन, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको जहमत देते रहेंगे, तंग करते रहेंगे कि इस टॉपिक पे और इससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स पे भी बात करने के। सो थैंक यू वेरी मच जी वंस अगेन, और इसी के साथ जी हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ या नए गेस्ट के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।